बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम यूनिट के टॉपिक का आवाज किया था। सिस्टम यूनिट का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम यूनिट के टॉपिक के अंदर मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोप्रोसेसर के कंपोनेंट्स, मेमोरीज और मेमोरीज के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स और अलग अलग टाइप की मेमोरीज जैसे कि कैश, वर्चुअल, वीडियो और फ्लैश मेमोरीज को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सिस्टम यूनिट के अगले कंपोनेंट एक्सपेंशन कार्ड्स और स्लॉट्स को देखेंगे, साथ साथ इनकी अलग अलग टाइप्स और फंक्शंस को देखेंगे। तो दोस्तों, आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों, आप एक मूवी लाते हैं जो कि एक हाई रेजोल्यूशन 3D एनिमेटेड मूवी है, लेकिन जब आप उसको अपने कंप्यूटर पर देखते हैं तो वो नॉर्मल 2D मूवी की तरह आपको दिखती है। तो यहाँ आपको जरूरत पड़ती है ऐसे सिस्टम की जिसमें हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स आप देख सके। तो दोस्तों, क्या आप अपने कंप्यूटर को बेच कर एक नया अच्छे ग्राफिक्स वाला कंप्यूटर लेंगे? के लिए भारी रकम की जरूरत होगी। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर आपके कंप्यूटर में किसी चीज की कमी आ रही है, स्पेस कम है, ग्राफिक्स या फिर साउंड अच्छा नहीं है, तो कैसे नया कंप्यूटर खरीदे बगैर आपको तमाम एक्स्ट्रा फीचर्स अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि मदरबोर्ड को मेन प्रिंटेड सर्किटरी बोर्ड कहा जाता है, जिस पर तमाम कॉम्पोनेंट्स मौजूद होते हैं और वो तमाम कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सी पोर्ट्स, डॉट्स और सॉकेट्स मौजूद होते हैं जिनके जरिए आप मजीद फीचर्स, डिवाइसेस यानी हार्डवेयर को अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं और अपने सिस्टम को इन्हांस कर सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपके मदरबोर्ड में ये कैपेबिलिटी है, ये सलाहियत है कि वो एडिशनल डिवाइसेस को अपने अंदर जोड़ सके? तो दोस्तों, दो तरह के मदरबोर्ड्स होते हैं, क्लोज आर्किटेक्चर और ओपन आर्किटेक्चर। क्लोज आर्किटेक्चर ऐसे मदरबोर्ड्स होते हैं जिनमें आप अपनी मर्जी की कोई डिवाइस ऐड ही नहीं कर सकते, यानी उनमें जगह ही नहीं होती कि कोई न्यू डिवाइस आप उसमें ऐड कर सके, जैसे कि मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और कुछ लैपटॉप में आप अपनी मर्जी का हार्डवेयर ऐड नहीं कर सकते। जबकि ओपन आर्किटेक्चर ऐसे मदरबोर्ड होते हैं जिनमें आप अपनी मर्जी की हार्डवेयर डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, जो कि आम तौर पर अब तमाम कंप्यूटर्स में अवेलेबल हैं। ये हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाती हैं एक्सपेंशन कार्ड। फॉर एग्जांपल, आपकी कंप्यूटर का साउंड कार्ड अच्छा नहीं है, आपने मार्केट से एक एक्सपेंशन साउंड कार्ड लिया और अपने मदरबोर्ड पर लगा लिया, और इन कार्ड्स ने आपके मदरबोर्ड की साउंड कैपेबिलिटी को यानी साउंड को सुनने की सलाहियत को बढ़ा दिया, इसीलिए इनको एक्सपेंशन कार्ड कहा जाता है, यानी ऐसा कार्ड जो किसी भी सिस्टम की कैपेबिलिटी को एक्सपेंड करे, बढ़ाए। अब इस कार्ड के जरिए आपको नया सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं है, या फिर आप अपने पुराने कंप्यूटर के अंदर ही इन कार्ड्स को लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इन कार्ड्स को मदरबोर्ड पर लगाएं कहाँ? तो दोस्तों, जब हम मदरबोर्ड को खोलते हैं तो मदरबोर्ड पर कुछ इस तरह के सेट्स दिखते हैं जिन्हें स्लॉट्स कहते हैं। इन स्लॉट्स के जरिए ही एक्सपेंशन कार्ड्स को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। एक मदरबोर्ड पर बहुत से स्लॉट्स मौजूद होते हैं और इन स्लॉट्स की लेंथ, लंबाई एक जैसी नहीं है। जैसे कि आप इसके अंदर भी देख रहे हैं कि ये इनकी लंबाई ज्यादा है। ये जितने भी व्हाइट कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये तमाम स्लॉट्स हैं, पर इन तमाम स्लॉट्स की लंबाई अलग अलग है। ये कुछ छोटे स्लॉट्स हैं, ये कुछ बड़े हैं और ये उससे भी ज्यादा बड़े हैं। फिर दोबारा से यहाँ पर कुछ छोटे स्लॉट्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, जैसे कि क्योंकि अलग अलग लेंथ के कार्ड्स होते हैं जिन्हें अलग अलग स्लॉट्स में इंसर्ट किया जाता है। दोस्तों, ये अलग 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 स्लॉट्स की लेंथ इसीलिए है क्योंकि इन कार्ड्स की लेंथ भी, इन कार्ड्स की लंबाई भी अलग अलग होती है और इन स्लॉट्स पर वही कार्ड्स फिट हो सकते हैं जिनकी लंबाई इनके बराबर हो। तो दोस्तों, एक्सपेंशन कार्ड में इस तरह के कनेक्टर्स होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और इन पिन्स को स्लॉट्स में इस तरह से डाला जाता है। जैसे ही एक्सपेंशन कार्ड
स्लॉट से कनेक्ट होता है, आपके मदरबोर्ड में न्यू फीचर्स ऐड हो जाते हैं। आसान अल्फाज में ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें सर्किट्स मौजूद होते हैं और ये स्लॉट के जरिए मदरबोर्ड से जुड़ती है और मदरबोर्ड की कैपेबिलिटी को, मदरबोर्ड के फीचर्स को बढ़ा देती है, जिसको बस स्लॉट। दोस्तों एक्सपेंशन कार्ड को बस स्लॉट, एक्सपेंशन पोर्ट भी कहा जाता है। तमाम एक्सपेंशन कार्ड्स में पिंस या फिर अलग अलग कनेक्टर्स होते हैं और उसी हिसाब से आप उसे स्लॉट में डालेंगे जिससे ये पिंस फिट होंगी और इन्हीं के जरिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जनरेट होगा बिटवीन द मदरबोर्ड और एक्सपेंशन कार्ड। यानी जब आप इन पिंस को, इन तमाम पिंस को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग पिंस हैं, ये एक अलग लेंथ की पिन है और ये एक अलग लेंथ की पिन है और पीछे हमने देखा था कि अलग अलग लेंथ के स्लॉट्स भी होते हैं, तो जब आप इनको कंप्यूटर से, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर मौजूद स्लॉट्स के अंदर डालेंगे तो इनके दरमियान और आपके मदरबोर्ड के दरमियान एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जनरेट होगा। आइए देखते हैं कि दोस्तों ये काम किस तरीके से करते हैं। दोस्तों सबसे पहला होता है एक्सपेंशन कार्ड, जो कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसके अंदर, जो कि अपने अंदर मौजूद डेटा को ट्रांसफर करता है मदरबोर्ड के दूसरे कंपोनेंट्स में। कार्ड्स को स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है, यानी इस तरीके से एक्सपेंशन कार्ड को, जिसके ऊपर कुछ सर्किटरी मौजूद है, इसकी पिंस को नीचे की तरफ करके इन स्लॉट्स के अंदर डाला जाता है। स्लॉट्स मदरबोर्ड पर सोल्डर्ड होती हैं, यानी चिपकी हुई होती हैं, इनके नीचे डेटा लाइंस मौजूद होती हैं और जैसे कि हमने देखा कि स्लॉट्स की अलग अलग लेंथ होती है और हर स्लॉट की अलग नंबर ऑफ डेटा लाइंस, स्पीड और बैंडविड्थ होती है। इन्हीं डेटा लाइंस के जरिए कार्ड से आने वाले डेटा को मदरबोर्ड के दूसरे हिस्सों को भेजा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इस कार्ड को इस स्लॉट के अंदर डाला जाएगा, इन पिंस को नीचे की तरफ रख के। तो दोस्तों इस स्लॉट के नीचे मौजूद होती है कुछ डेटा लाइंस। डेटा लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कि मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद कॉम्पोनेंट्स के अंदर डेटा को ट्रांसफर करती हैं। तो दोस्तों ये थी एक्सपेंशन कार्ड किस तरीके से डाला जाता है और वो किस तरीके से काम करता है। आइए हम देखते हैं कि और किस किस तरीके के स्लॉट्स, यानी स्लॉट्स की कौन कौन सी टाइप्स मदरबोर्ड पर मौजूद होती है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लॉट्स हैं जो कि मदरबोर्ड पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि AGP, PCI और PCIe अभी भी इस्तेमाल होते हैं, बाकी अब खत्म हो गए हैं यानी ऑब्सोलीट हो गए हैं। और इन तीनों में भी PCIe यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टर एक्सप्रेस अभी भी इस्तेमाल की जाती है, यानी इसकी ट्रांसफर रेट इतना हाई होता है जिसकी वजह से अब AGP और PCI का इस्तेमाल खत्म हो गया है, बहुत कम हो गया है। तो दोस्तों आइए स्पीड के लिहाज से इन स्लॉट्स का तयन करते हैं। सबसे पहले है AGP। तो दोस्तों AGP की स्पीड थी 2133 मेगाबाइट, यानी ये इतनी स्पीड के साथ डेटा को मदरबोर्ड को ट्रांसफर कर सकती थी। के बाद जो PCI स्लॉट इस्तेमाल होने लगी की स्पीड थी 133 मेगाबाइट से लेकर 533 यानी 533 मेगाबाइट तक, और अब जो PCI एक्सप्रेस इस्तेमाल हो रही है उसकी स्पीड है 63 गीगाबाइट तक, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड है। इसीलिए इसके इस्तेमाल की वजह से अब PCI और AGP का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। तो दोस्तों ये थी स्लॉट्स की टाइप। आइए अब हम एक्सपेंशन कार्ड्स की टाइप को देखते हैं। सबसे पहले है मेमोरी एक्सपेंशन। मेमोरी एक्सपेंशन कार्ड, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इनके जरिए आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी को, स्पेस को, जगह को, डेटा को अपने अंदर महफूज करने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। एक टिपिकल मदरबोर्ड में 4 से 8 रैम स्लॉट्स मौजूद होते हैं और आमतौर पर 1 या 2 ही रैम चिप को इनके अंदर इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी मौजूद तो ये बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं लेकिन आमतौर पर आप सिर्फ इन दो या दो से ज्यादा ही रैम्स को इनके अंदर फिट करते हैं, कुछ स्लॉट्स फिर भी खाली रहते हैं। दोस्तों हमारा मदरबोर्ड हमें ये फीचर फराहम करता है कि जिसकी आमतौर पर यूजर को नीड होती है और अक्सर उस पर पोर्ट्स और सॉकेट्स की तादाद ज्यादा ही होती है, यानी जितनी यूजर को जरूरत होती है उसे कई ज्यादा सॉकेट्स और स्लॉट्स आपके मदरबोर्ड पर मौजूद होते हैं। तो इसी तरीके से रैम के स्लॉट्स भी काफी ज्यादा मौजूद होते हैं लेकिन आमतौर पर कुछ ही स्लॉट्स इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो दोस्तों जब आप इन स्लॉट्स के ऊपर मजीद रैम चिप्स लगाते हैं तो आपकी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी यानी स्टोरेज कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा SSD कार्ड्स के जरिए भी आप अपने कंप्यूटर की स्पेस कैपेबिलिटी को स्पेस को जगह को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोस्तों बहुत स्टार्ट में जो अर्ली कंप्यूटर्स थे यानी स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स होते थे जिनके अंदर डाटा मैनुअली टाइप किया जाता था और किसी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि फ्लॉपी डिस्क के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता था। और उस वक्त कोई इतना इजी वे कोई इतना आसान तरीका नहीं था कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। फिर इंटरनेट आ गया जो कि हर कंप्यूटर के लिए एसेंशियल पार्ट बन गया था, जरूरी पार्ट बन गया था, जिसके जरिए घर बैठे डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता था ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन हमारे स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स में इंटरनेट इस्तेमाल करने की अवेलेबिलिटी आसानी उसका फीचर मौजूद ही नहीं था। तो फिर एक एक्सटर्नल हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी मौजूद थी। जब इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को आप अपने स्टैंड अलोन कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर मौजूद स्लॉट के अंदर इंसर्ट करते थे तो फिर आप उसके जरिए इंटरनेट को अपने उस स्टैंड अलोन कंप्यूटर के अंदर भी चला सकते थे। अब आप स्टैंड अलोन कंप्यूटर में इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते थे। तो दोस्तों इसको आमतौर पर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क अडेप्टर और लोकल एरिया नेटवर्क अडेप्टर यानी लैन अडेप्टर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी कि हमें ये एक एक्सपेंशन कार्ड की जरूरत थी यानी नेटवर्क एक्सपेंशन कार्ड की जरूरत क्यों पेश आई। के बाद है वीडियो एक्सपेंशन कार्ड। दोस्तों आपके मदरबोर्ड पर भी पहले से वीडियो कंट्रोलर मौजूद होता है, उसी के जरिए ही आप वीडियोस को अपने कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं। उस वीडियो कंट्रोलर के अंदर VGA, SDI पोर्ट्स भी मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आपको 3D वीडियोस देखनी है या फिर आप गेमर हैं और हाई रेजोल्यूशन वीडियो गेम्स को रन करना है या वीडियोस को रिकॉर्ड, प्रोसेस या फिर रेंडर करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी एक अलग वीडियो डिस्प्ले कार्ड की, क्योंकि कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके ऊपर भी HDMI, DVI पोर्ट्स मौजूद होती हैं। और दोस्तों इस वीडियो एक्सपेंशन कार्ड के जरिए आप बिना रुकावट के बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स को भी देख सकते हैं। के बाद जो अगला एक्सपेंशन कार्ड है वह साउंड एक्सपेंशन कार्ड। जिस तरीके से वीडियो कंट्रोलर मदरबोर्ड पर मौजूद होता है बिल्कुल ऐसे ही साउंड कंट्रोलर भी एक मदरबोर्ड पर पहले से मौजूद होता है जो कि एक आम यूजर के लिए काफी होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई हाई क्वालिटी साउंड मूवी है यानी एक मूवी है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का साउंड इस्तेमाल किया गया है या फिर कोई गेम है जिसमें 5 से 7 चैनल्स का साउंड मौजूद है और आपके कंप्यूटर में जो साउंड कंट्रोलर पहले से मौजूद है उसमें सिर्फ 2 चैनल्स हैं तो दोस्तों फिर आपको जरूरत पड़ेगी एक्सटर्नल साउंड कार्ड की, क्योंकि कुछ इस तरीके से दिखता है जिसमें ना सिर्फ एनालॉग कनेक्शन होंगे बल्कि डिजिटल कनेक्शन भी मौजूद होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ कार्ड्स। वैसे तो और भी बहुत से कार्ड्स मौजूद होते हैं लेकिन हमने आपकी बुक के अंदर मौजूद कार्ड्स को डिटेल में पढ़ा है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ही कार्ड आपके मदरबोर्ड पर मौजूद स्लॉट्स के जरिए सही से काम करें तो इन कार्ड्स के साथ एक मैनुअल डॉक्यूमेंट आता है जिसके ऊपर तमाम डिटेल लिखी होती है और उस डिटेल के जरिए ही आप ये समझ सकते हैं कि ये कार्ड किन स्लॉट्स के अंदर इंसर्ट किया जा सकता है और किन स्लॉट्स के अंदर ये इंसर्ट नहीं हो सकता जो कि इन पिंस के बिना पर होता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में यानी आज के लेक्चर के बाद आप ये जान गए होंगे कि एक्सपेंशन कार्ड्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स आखिर होते क्या हैं और एक्सपेंशन कार्ड्स और स्लॉट्स काम किस तरीके से करते हैं और इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अगले लेक्चर में हम आपके चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे।